तो बड़ी खबर इस वक्त की रतिया से सामने आ रही है। रतिया से इस वक्त की बड़ी खबर, तो रतिया से बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। तो बस समस्या को लेकर छात्रों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है, छात्रों का गुस्सा फूट गया है। बड़ी खबर रतिया से, बस अड्डे का गेट बंद करके जोरदार प्रदर्शन किया गया है, छात्रों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। परिवहन विभाग पर अनदेखी का आरोप भी लगाया गया है। तो उस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं, रतिया से बड़ी खबर, बस की समस्या को लेकर छात्रों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है, जमकर नारेबाजी की गई है, प्रदर्शन भी किया गया है, परिवहन निगम पर लापरवाही का आरोप लगा है, अनदेखी का आरोप लगाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की रतिया से, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर जुड़ चुके हैं। अशोक, छात्रों में बस की समस्या को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्या कुछ है पूरा मामला अशोक? देखिए, मैं आपको बता दूं कि रतिया से मड़गंदा गांव तक जो बस का रूट है वो आज नहीं जा रहा, जिसको लेकर छात्र छात्राएं भड़के हुए हैं। पहले उन्होंने अड्डाई चार से बात की, मगर संतोष पूर्वक जवाब न मिलने पर उन्होंने गेट बंद कर दिया। हालांकि गेट बंद कर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और कई बसें जो बस अड्डे के अंदर थी अंदर है, और जो बाहर थी बाहर है, ना तो कोई बस अंदर जा रहे देने ना ही बाहर आने दे रहे। और उनका एक ही आरोप है कि बार बार उन्हें बस समस्या को लेकर परेशान किया जाता है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक गेट नहीं खोलेंगे। वही दूसरी तरफ जो बस अड्डा इंचार्ज है उनसे हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि रतिया भूना मार्ग पे महमदपुर सोत्र गांव के पास रोड जाम हुआ है, बसें वहां फंस गई, जिसके कारण आज दिक्कत आई है। जी शुक्रिया अशोक ग्रोवर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।